किसान भाइयों राम राम। आज गुरु कृपा हर्बल फार्म पर जागरूक किसान हैं, बड़े किसान हैं, जयपुर से बता रहे हैं और हम आपका इनसे परिचय करवाते हैं। और एक जो है हमारे टोंक जिले से टोडराइसी से पहुँचे, आज यहाँ पहुँचे हैं। तो ये औषधि खेती करने की इच्छा ये रखते हैं और औषधि खेती की जानकारी के लिए हमारे यहाँ गुरु कृपा हर्बल फार्म पर ये आप बता रहे हैं। तो सर आपका जो है अपने किसानों को परिचय दीजिए, आप कहाँ से आए हो, आपकी इच्छा क्या है और आप कितने एकड़ में आप खेती करते हैं, क्या क्या करते हैं। मैं शिवराज हूँ साहब और मेरा फार्म है टोंक जिले में उडारा ऐसी तहसील लगती थी पहले, अभी टोंक तहसील हो गई। और मेरे दादाश्री को फार्म अलॉट हुआ था जयपुर महाराजा की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध उसकी एवज में मान लिया। मेरे को तो मेरे फादर की डेथ के बाद में ज़्यादा आना जाना होता है फार्म पर, वरना वो संभलवाते थे, वो भी आर्मी में थे। इस समय मेन क्रॉप यहाँ पर सरसों है और बरसात के अंदर हमने ज्वार है, मूंग, मुर्दे ये सब, लेकिन अब इस बार सरसों में भी दोबारा बुआई होनी किसान के लिए बड़ी कमर तोड़ काम था, डबल खर्चा हो गया। इंक्रीमेंटल तौर पे मेरे किसान है रामेश्वर जी, उन्होंने किनोवा मुझे सजेस्ट किया, किनोवा बीज डाला, किनोवा पैदा किया, कलौंजी भी पैदा की, लेकिन किनोवा का हमारे को मार्केट नहीं मिला। प्रोसेसिंग यूनिट गवर्नमेंट ने टॉक में पास कर दी लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी तक कुछ नहीं हुआ। जो है सरसों अपन करते हैं। हाँ सर, तो देखो सरसों पहले बहुत कम से कम मेरे हिसाब से तो जो है अपने यहाँ सरसों लगभग 30-35 साल से आई हुई है। ज्यादा हाँ बस लगभग इतना है। हाँ 35-36 साल और बहुत बड़ा इलाका है, 35 साल लगभग हो गया। टोंक सवाई माधोपुर का है और दूसरा इलाका है भरतपुर अलवर का जहाँ सरसों होती है, बाकी राजस्थान में रायड़ा वगैरह नागौर डिस्ट्रिक्ट में भी होता है। बाकी अभी इसमें जो है किसान को सरसों लगाने का लोगों का एक मेन मकसद क्या होता है, इसमें लेबर और मेहनत और खर्चा, खर्चा जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है हर चीज में, बाकी लेबर और अन्य फसल की अपेक्षा जी, सिर्फ वेजिटेबल फसल की अपेक्षा या अन्य कोई भी अच्छी जो है ना अपन व्यवसायिक फसल कह सकते हैं, उसकी अपेक्षा जो है ये तलहन की जो फसल है ये थोड़ी सस्ती पड़ती है किसान के लिए। सही बात, बाकी देखने में ये आ रहा है कि शायद कुछ समय से तो किसान को इसमें कोई बचत नजर नहीं आ रही है। अगर मानते हो आप इस बात, अगर किसान की मजदूरी पर डे जोड़ ली जाए 120 दिन सरसों के फसल के दौरान में, तो उसके घर में 5 रुपए भी नहीं बचेंगे उस मजदूरी के अलावा। अब वो तो 3 पीढ़ी एक साथ लगी रहती है, बिल्कुल राइट, और वो सोचते ही नहीं है कि हमने इसमें मजदूरी की है, वो सोचते 120 दिन की फसल है, कितना पैसा घर में आया, खर्चा निकालने के बाद क्या बचत हुई, बस उस पे ही ध्यान देते हैं, ये नहीं देखते कि हम चारों की या पांचों की मजदूरी लग गई तो इसमें अब मजदूरी के बारे में क्या बचत है, कुछ नहीं। बिल्कुल सही, किसान, सही बात, किसान है। जो है ना किसान अपने परिवार की मेहनत को तो कभी उसने काउंट ही नहीं किया, काउंट नहीं किया। अगर वो जिसे ये समझ लेगा तो वो मान लो ये खेती में बहुत आम आदमी को तेल सस्ता देना है और वो पाम ऑयल बाहर से मंगे। हम ये चाहते हैं कि हम थोड़ी जमीन में खेती करें और उसका 100 बीघा का प्रॉफिट हमारे को 10 बीघा में करने की हम कोशिश करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें से हमने अनुभव किया है कि कलौंजी हमारे होती है, तो हम ये चाहते हैं साहब कि जो हमारा खेत मान रहा है जैसे किनोवा, किनोवा का हमें मार्केट नहीं मिला, हमने किनोवा अपने जानवरों को खिला दिया 2 साल बाद, सरकार ने थैलियां दी थी और ये कहा था कि 20 करोड़ रुपए का प्रोसेसिंग प्लांट आ रहा है टोंक में, आज 8-7 साल हो गए शायद उस बात को, कोई प्लांट की नाम छोड़ के न्यूज भी नहीं आ रही, प्लांट की न्यूज बने कि कहाँ प्लांट लगेगा, कब लगेगा, क्या होगा। और जो फसलें हैं वो अपने एरिया में आसानी से
कम मेहनत में कम खर्चे में होने वाली फसलें हैं उसको अपन लगा करके अपनी आमदनी को दुगना तिगना चार गुना पाँच गुना अपन बढ़ा सकते हैं। तो मैं इनका परिचय आपसे करवा देता हूँ। जी बिल्कुल, ठीक है। ये एकदम ग्रेडिंग वाला किनोवा है, ग्रेडिंग हमने करवा रखा है, ये ग्रेडिंग है ना बिल्कुल, है ना, बीज सही मिलेगा, बीज के तौर पे चला जाए उसके, ठीक है, नुकसान नहीं। ये इस तरह का एक किनोवा होता है, ये अब किसान भाइयों किनोवा राजस्थान में जो है लगभग 2014-15 के आसपास में प्रभुलाल जी सैनी कृषि मंत्री थे, उस समय विशेष करके बाहर से कहीं से लेके आए थे और कृषि विभाग द्वारा किट लोगों को बीज के किट दिए थे, हमें भी मिले। बाकी दिक्कत कहाँ आ गई, सरकार ने कहीं से उपलब्ध करवा दिया बीज, बाकी बीज तो उपलब्ध करवा दिया, दिक्कत कहाँ आ गई कि उस बीज को सेल आउट करने में किसानों को बड़ी दिक्कत आई। किनोवा बाजार में कोई व्यापारी उसको देख, व्यापारी जानता नहीं है, उसको भी देखा नहीं है, उपयोग क्या, किस उपयोग में इसको लेना है, कैसे लेना है, ये सब अनभिज्ञ थे। तो लोगों ने जो किट सरकार ने दिए अपने खेतों में फसल लगाई, फसल बहुत बढ़िया पैदा हुई। कितने किसान भाइयों से मेरे इस मामले में चर्चा भी हुई है, हमारे यहाँ भी उस समय 4 बार किसानों ने किया था और बीघे के अंदर 8 क्विंटल का उत्पादन हमारे यहाँ मिला था किसानों को। तो ये चीज है। बाकी आज जो है मैं बताना चाहूँगा किसानों को, ये किनोवा जो है ना आज बादाम से ज्यादा महंगा बिक रहा है। 100-100 ग्राम की बोतलें बना के और हमारे किराना के शॉप पे जयपुर में खूब बिकता है, ये मेडिकल शॉप पे खूब बिकता है। किनोवा जो देख रहे हो ये बादाम से ज्यादा महंगा है। बादाम आपका 600-700 रुपये किलो हो सकता है, बाकी किनोवा जो है बाजार में 1000-1200 रुपये किलो बिकता है। कब बिकता है कि इसको प्रोसेस करना पड़ता है, प्रोसेस मिस के जो है ना ये थोड़ा सा इसको छिलका विलका सही किया जाता है, साफ होता है और इसको रोस्ट किया जाता है। ये सब एक प्रोसेस की यूनिट होती है, मशीन होती है, फिर ये इसका पैकिंग किया जाता है। जैसे बाजार में नमकीन चिप्स वगैरह जैसे मिलते हैं, इस तरह का इसका पैक करके मार्केट में सब सीटों में बड़ी बड़ी सब दुकानों पे आजकल डिपार्टमेंटल स्टोरों पे आजकल इसके पैकेट देखने को मिल जाएंगे। आप गूगल सर्च पे करेंगे, अमेजोन पे करेंगे, फ्लिपकार्ट पे करेंगे, उसका उसका चित्र कौन सी कंपनी का है, क्या रेट है, सब मिल जाएगा। तो किसान भाइयों को मैं चाहता हूँ कि ये कंपनियाँ आपसे इस किनोवा का जो है ना 15-20 हज़ार रुपये क्विंटल लेकर के है और 1 लाख रुपये क्विंटल बेच रही है, यानी आपसे लगभग कितना गुना वो कमा रही है। तो किसानों को सजेशन भी कर देना चाहूँगा कि आप खुद किनोवा की खेती करें, कहीं मार्केट में दिक्कत आए तो देखो हम जो है आपका जो किनोवा को हम खरीद भी करते हैं, हमारी कंपनी है गुरु कृपा हर्बल एग्रो, गुरु कृपा हर्बल एग्रो आपका जो भी औषधि फसल है सबको खरीदने का काम करती है और लोगों को अच्छी क्वालिटी का बीज उपलब्ध करवाने का काम करती है, ये हमारी गुरु कृपा हर्बल। तो ये चीज़ें हैं, तो आप इस किनोवा को कर सकते हैं। किनोवा करने में विशेष कोई ज़्यादा आपको सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है, विशेष खर्चा करने की जरूरत नहीं है। किनोवा के लिए नॉर्मल आप गेहूँ चना सरसों की तरह जुताई कटाई करके, इससे अक्टूबर महीना निकल गया है और आज नवंबर शुरू हो गया, नवंबर की आप 2 तारीख है तो नवंबर में भी लगा सकते हो, अक्टूबर नवंबर रबी की फसल यही है, अक्टूबर नवंबर दोनों महीने लगाने के हैं। तो अभी आप लगाएंगे तो ये सरसों की तरह जो है इसकी हाइट भी अच्छी होती है, इसकी हाइट जो है आपका 5 से लेकर के 6 फीट, 4 फीट से लेकर के आपका 6 फीट तक हाइट होती है, 5-6 फीट तक, ठीक है साहब। अब ये जमीन के ऊपर अपनी मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड करता है, पैदावार पे और हाइट पे या पौधा अच्छा होने पे। तो ये उस तरह होती है, इसका एक वो सरा निकलता है, जैसे आपने कभी देखा होगा शंकर जवार का होता है ना, इस तरह का इसमें सरा निकलता है, उस पर ये होते हैं। तो इसको आराम से हार्वेस्टिंग कर बढ़िया हो जाती है, इसका टाइम पकने का जो है ना वो आपका 100 से 120 दिन के समय पक जाती है। अभी आप नवंबर में लगा रहे हो, लास्ट फरवरी में या प्रथम सप्ताह मार्च में आपकी हार्वेस्टिंग सरसों गेहूँ या जो भी आपके अन्य फसलें हैं पूरी इसी समय में ये पक जाती है। हार्वेस्टिंग पानी की बात करें, इसके अंदर
पानी तो जमीन के हिसाब से होता है, बाकी फिर भी मैं औसत बताऊँ आपका पानी इसमें 2-3 पानी की आवश्यकता होती है। काली मिट्टी में कम पानी चाहिए और कहीं सैंडी मिट्टी है या कोई दूसरी हल्की मिट्टी है उसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता है। ये पानी का भी टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करता है, धूप ज़्यादा रहेगी तो पानी जल्दी खत्म होगा, जल्दी पिलाना पड़ेगा। ये आप मैनेजमेंट फसल देख करके आप जजमेंट लगाना पड़ेगा आपको। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मल अपना जो थ्रेसर है बाजरा वाला, बाजरा सरसों वाला जो थ्रेसर चलता है उसी थ्रेसर में हार्वेस्टिंग करनी है। पैदावार की अपन बात करते हैं तो एक बीघे की अपन बात करते हैं तो बीघे में आपका जो है 7 से 8 क्विंटल ये निकलता है। एकड़ की अपन बात करते हैं क्योंकि देश में सब लोग बीघे से वाकिफ नहीं है, बीघे सब जगह भिन्न भिन्न हो सकते हैं। बिल्कुल। बाकी एकड़ की बात करते हैं तो एकड़ में आपका जो है 12 से 16 क्विंटल का औसत इसमें आता है। तो 12 से 16 क्विंटल पैदा हो गया एकड़ में है। बाजार मूल्य इसका जो है देखो ज़्यादा कभी होता नहीं है। अभी पहले तो इसका बाजार भाव पहले तो काफ़ी बताया था कोरोना काल में तो बड़ा था, बाकी कोरोना के बाद में डाउन हो गया और 5,000 लगभग इसका रेट था। और अभी इस साल जो है इसका मार्केट कई एक्सपोर्ट हुआ और कई बाहर गया तो आज 20,000 रुपये क्विंटल तो मंडी का बाजार भाव है 20,000 रुपये क्विंटल, जो पहले 5,000 था आज के 5 महीने पहले 5,000 का था, 5-6 महीने पहले, और अभी आज 20,000 का है। तो बाजार भाव अनिश्चित रहते हैं, इसके बारे में अपन को थोड़ा सा यह ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे 20,000 के बारे में बताया था तो 20,000 है ही नहीं, 5,000 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 15-20 भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। बाकी ये अनुमानित ही इसका बाजार भाव होता है। तो इस बाजार भाव से भी अगर बेचते हैं आप, अगर मान लो आपका जो है 20,000 की जगह अगर 8,000-10,000 में रहता है और अब रहेगा क्योंकि इसका जो है ना सुपर फूड में ही आता है, सुपर फूड और जितने भी ये पैकेजिंग जो वाले सुपर फूड होते हैं, ठीक है, मैंने अभी पहले जिक्र कर चुका हूँ दोबारा उस चीज़ का, इसका प्रोसेसिंग करके लोग खाते हैं, बादाम से ज़्यादा ताकतवर इसको बताया गया है, प्रोटीन अच्छा होता है, कई तरह के विटामिन सी मिनरल्स इसके अंदर होते हैं, तो ये काफ़ी मेगा प्रोसेस होकर बिकता है। तो इसका मार्केट पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो रेट तो अब इतनी तो डाउन तो होने वाली नहीं है। तो अगर 10,000 के अपन औसत इसके वैल्यू मानते हैं प्रति क्विंटल, अगर ये आप बीघे की बात करते हैं तो एक बीघे में अगर ये 8 क्विंटल हो रहा है तो भी आपका 80,000 रुपये बीघा हो गया। अब 80,000 बीघे की इनकम वही टाइम वही सरसों के वही 120 दिन की फसल है, वही ज़्यादा लेबर ज़्यादा कुछ करना नहीं है, वही ज़्यादा खाद नहीं देना है, नॉर्मल सरसों में जितना उतना खाद है उतना ही पानी सब कुछ। तो अब जहाँ सरसों की अपन इससे तुलना करते हैं, सरसों में आपको मुश्किल से देखो आप एक बीघे में पता है 5 क्विंटल 6 क्विंटल ज़्यादा पैदा नहीं हो रही है और बाजार भाव 5,500-6,000 से ज़्यादा नहीं है, 6,000 भी है तो ये 35,000 की बीघा हो रही है, 35,000 का अपन खर्चा निकाल लेंगे तो 15,000 का खर्चा गया, नेट बेनिफिट 20,000 रुपये, 20,000 एक बीघे में मिला। यहाँ भी आप 80,000 का है, इसमें भी आप खर्चा ज़्यादा नॉर्मल नहीं है, फिर भी अपन जो है इसमें भी आप 15,000 लगभग 10-12,000 का खर्चा मुश्किल से होता है, तो 10-12,000 खर्चा निकालने के बाद भी आपको जो है आराम से 65-70,000 रुपये एक बीघे से मिल रहा है। यानी कि अपन ये मान सकते हैं कि आपको सरसों में जो है 20,000 रुपये की बचत और यहाँ 60,000 की बचत, 3 गुना आपको 3 गुना मुनाफा अधिक हो रहा है। करना क्या है आपको, बीज बदलना है, बस सरसों की जगह ये बीज लेना है। एक बीघे में आपका जो है 1 से 1.5 किलो बीज डालना है सरसों के देसाई का, 1 से 1.5 किलो। अब ये मिट्टी के ऊपर है, नमी के ऊपर है, नमी अच्छी है बढ़िया है तो पूरा बीज अच्छा जर्मन होता है, कभी इस साल जो है नमी की बहुत कमी है, ज़मीन में नमी कमी है तो वो थोड़ा बीज अपन ज़्यादा डाल दें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 1 बीघे में 1.5 किलो बीज आप डाल सकते हो, तो ये बहुत कम खर्चे में आपको अच्छी इनकम देने वाली है। किसान भाइयों अभी मौका है, नवंबर का पूरा महीना है और अभी फसल लगाने का राइट टाइम है, तो आप जो है अगर आप अच्छी इनकम चाहते हो सरसों गेहूँ चना से आप
दुगनी तिगनी इनकम चाहते हो तो किरनावा आपके लिए बहुत सबसे अच्छी एक क्रॉप आपके लिए हो सकती है। जयपुर में भी कई लोग खरीदते हैं और हमारी जो कंपनी गुरु कृपा हर्बल एग्रो है वो भी किसानों की मदद के लिए हम खरीदते हैं कि किसान को कहीं पैदा करने के बाद में उसको अफसोस नहीं हो कि मैंने कौन सी पैदा कर ली जो बिकती नहीं है। हम कहीं भी हो कोई भी किसान खरीद लेते हैं, तो ये मार्केट का काम है। तो और भी कोई दिक्कत आए तो किसान भाइयों, मेरा काम है आपकी सेवा करना, आपकी हेल्प करना, और ये मैं यूट्यूब के माध्यम से, व्यक्तिगत फ़ोन कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से आपकी मदद में लगातार 4 साल से करता आया हूँ और आगे भी करता रहूँगा। ये मेरा मकसद है कि किसान की आमदनी बढ़े, किसान की तरक्की हो, किसान के बेटे को किसी धंधा सेठ की या नौकरी करने की आवश्यकता नहीं पड़े, किसान अपने खेत में ही अपने रोजगार के साधन सर्जन करे, ये मेरा मकसद रहता है। तो नमस्कार, जय हिंद, सबको धन्यवाद जिसने हमारा ये वीडियो देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो किसान भाई पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो लाइक कर लें और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम जो भी वीडियो खेती संबंधित बताएं आपके पास उसका मैसेज मिले और आप उसको देख सको, समझ सको और उससे आप अपने परिवार के लिए कुछ फ़ायदा उठा सके। और शेयर करें, अगर आपके मिलने वाले जो किसान हैं, जागरूक किसान हैं, वो उनकी रुचि अगर अच्छी खेती करने में है उनको शेयर जरूर करें। शेयर करने में इनमें आपको कोई ज़्यादा मेहनत या कोई पैसा खर्च होता नहीं है। हमारा प्रयास रहता है कि किसान की तरक्की हो, किसान का भला हो, किसान को अच्छी इनकम प्राप्त हो। नमस्कार, जय हिंद।